हेलो गाइस, तो आप लोग ये पूछ रहे थे भाई आपकी वीडियो कब आएगी और आप वीडियो कब बना रहे हो नेक्स्ट और इतने दिनों से क्यों नहीं बनाया। तो मैं आपको बता दूं तो मेरे साथ हो गया था कांड जिसकी वजह से मेरे को देनी पड़ी अपनी, खैर छोड़ो रहने दो। जब मैं दिसंबर में यहाँ पे फ्लाइट से पहुंचा था, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन क्लिक करो और देख लो। तो हम लोगों को लगा फेब में एग्जाम हो जाएगा, बट कोरोना के चरम सीमा के सुख के चक्कर में ये बहुत लेट हो गया। और जब एग्जाम होने वाला था तो बंगाल में इलेक्शन का बिगुल बज गया, और जिसके वजह से आई थिंक ये और भी बहुत ज्यादा लेट हो सकता है। और इसी बीच में मेरे साथ जो आप बीती हुई है, क्या ही बताऊं मैं आप, इतना टेंशन क्या बोलूं मैं। पहले तो मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं जो कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है, फिर मैं आपको उसके बाद आपका कन्फ्यूजन दूर करूंगा, क्योंकि आप लोगों का अभी भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है और मेरे पास इतना सारा टॉपिक है कि मैं इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो बना सकता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं इस साल वीडियो बनाता गया जिसकी वजह से मैं कुछ पढ़ नहीं पाया, और जिसकी वजह से मेरा वाइवा बहुत ज़्यादा खराब गया, और वाइवा में मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार रहा, और टीचर के सामने मैं आपका भाई का घनघोर बेइज्जती हो गया, बोले तो इज्जत चला गया। इश, अगर मान लीजिए कि टीचर ने उस समय में अगर मेरे पेरेंट्स को कॉल कर लिया होता ना, तो पता है पेरेंट्स क्या सोचते, को पैसा बर्बाद बहन चोद। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जाके मैं फाइनल एग्जाम की तैयारी कर चुका हूँ, और भी बाकी है मैं कर रहा हूँ। आप लोग भी यही बोल रहे थे वीडियो बहुत दिन से आया नहीं, तो यही कारण है कि वीडियो इतना लेट हुआ। तो अब बात करते हैं आप लोगों की कन्फ्यूजन की। तो पहला कन्फ्यूजन है मैनेजमेंट सीट को लेके। एक बोलता है भैया मैं अनक्वालिफाई हूँ, क्या मेरा मैनेजमेंट सीट से हो जाएगा। अब कोई भी सीट होने से पहले तुम्हें क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। तुम अगर क्वालिफाई नहीं हुए तो सीट नहीं मिलेगी, कोई भी सीट नहीं मिलेगी। जब तक तुम क्वालिफाई नहीं कर जाते किसी भी सीट से आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। इस बार क्या हुआ, लॉकडाउन के चक्कर में बहुत लोगों का घर में प्रॉब्लम हो गया, जिसके वजह से इस साल सीट बहुत सारा बच गया। अब कॉलेजों में कुछ सीट खाली है, और सुनने में ये आ रहा है सीट का दाम बहुत कम हो गया, मैक्सिमम कॉलेजों ने फीस कम कर दिया है। फायदा उन लोगों को हो रहा है जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं करवाया है, क्योंकि उनको तो सस्ते में मिल गया है, काउंसलिंग के रेट से भी कम में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, सबको कॉलेज मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। मिलेगी 1 अगस्त, मतलब ये कि 1 अगस्त से फिर से नीट का एग्जाम होने वाला है। अब लोगों का डिमांड ये भी आ रहा है कि मैं नीट वाला वीडियो कब बनाऊंगा जिसमें लोग नीट आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो देवी और सज्जनों, जून में वीडियो आने वाली है बायोलॉजी और केमिस्ट्री, अच्छे से आप प्रिपेयर करिए और उसी पे ज्यादातर ध्यान दीजिए। मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा, वीडियो के चक्कर में अपना पढ़ाई मत गवाइएगा। अबे और एक बात बता, इंडिया में तुम लोग रहते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में आप लोगों की इतनी फटती है। बहुत लोगों का ये कहना है कि भैया दूर हो जाएगा। अबे पढ़ाई के लिए राजा का बेटा जंगल चला जाता था, तुम दूसरा राज्य नहीं जा सकता है बे, तुम लोगों का अलग ही नखरा है। मेरे कॉलेज से मेरा घर 14 घंटे का रास्ता है बाई ट्रेन। ट्रेन, आपका घर का और कॉलेज का रास्ता कितना दूर है बाय ट्रेन, ये आप कमेंट पे लिख के बता सकते हैं। और मैं आपको ये एक बात बताना चाह रहा था, मेरा एग्जाम का डेट कभी भी आ सकता है, कभी भी, तो वीडियो थोड़ा लेट से आ सकता है। मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, और क्वेश्चन आंसर सीरीज वाला नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था उनका मैं जवाब दूंगा। प्लीज भाई लाइक कर दो और देखते रहो दायरे द ब्लॉग।